वेलकम एवरीवन। तो हम कर रहे थे कैंसर ऑफ लैरिंग्स का टॉपिक, जिसमें जनरली मैंने तो आपको ट्रीटमेंट बता दी कि टोटल पार्शियल लैरिंगेक्टमी वगैरह, रेडियोथेरेपी, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर वगैरह वगैरह। अब हम बात करेंगे ना इस बात की कि हमारी जो टीएनएम स्टेजिंग है, यानी ट्यूमर का जो हम टीएनएम स्टेजिंग करते हैं कि उसका ट्यूमर का साइज और कितना है, उसका नोडल एक्सटेंट कितना है और उसकी मेटास्टेसिस टूवर्ड्स अदर एरियाज कितनी है, उस हिसाब से अगर हम देखें लैरिंग्स के कैंसर को और आपको सिनेरियो आए एमसीक्यू में, तो आपने किस स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट प्लान अपने जहन में रखना है। ठीक है, ये आपकी बुक में जो ढिंगरा में गिवन है उसी के हिसाब से हम चलेंगे और ये आपके एमसीक्यू का सिनेरियो आता है, टिपिकल सिनेरियो आते हैं, बहुत आसान होते हैं। आपको क्लियर कट वो बता देते कि भाई T1 कार्सिनोमा है, यहाँ तक इन्वॉल्व है, तो आप क्या इसको ट्रीट करेंगे, इतना फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि कोई हद नहीं और आपको मार्क्स आराम से मिल जाते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं जरा कि क्या सिलसिला है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, आपको पता है कि वी हैव लैरिंग्स के तीन पोर्शंस, जो तीन पोर्शंस है लैरिंग्स के वो है, सबसे पहले वी हैव द सुप्राग्लॉटिस जो एपिग्लॉटिस से शुरू होता है और वोकल कॉर्ड्स के अपर पोर्शन तक खत्म हो जाता है। फिर हमारे पास जो ग्लॉटिस है, वोकल कॉर्ड्स वाला पोर्शन जो है उसे ग्लॉटिस कहते हैं, और उसके बाद जो नीचे है अप टिल द क्रिकॉइड कार्टिलेज का लोअर बॉर्डर वो है सब ग्लॉटिस। ठीक है, ये वही पुरानी बात है, सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस और सब ग्लॉटिस। अब तीनों में कार्सिनोमा को हम अलग अलग से स्टेज करते हैं। अभी पहली जो बात हम करेंगे वो बात करेंगे ग्लॉटिक कार्सिनोमा की, यानी कि वो कार्सिनोमा जो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है आपके वोकल कॉर्ड से और फिर देखते हैं वो आगे कितना फैल सकते हैं। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट सब ग्लॉटिक एंड देन सुपरा ग्लॉटिक कार्सिनोमा, थोड़ी थोड़ी सी बातें करनी है हाल ही हमने। अच्छा, जो ग्लॉटिक कार्सिनोमा है उसमें या तो आपका कार्सिनोमा इन सीटू हो सकता है, किसी भी कैंसर में यही हो सकता है, सिर्फ ग्लॉटिक में नहीं, या तो वो इन्वेसिव कार्सिनोमा है। अगर आपका कार्सिनोमा इन सीटू है, आपको अपीयर हुआ कि कार्सिनोमा इन सीटू है, यानी कि अभी वो उसी जगह पर लोकलाइज है, वो किसी जगह गया नहीं है, वो बढ़ा नहीं है, ठीक है, उसको कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। कि कार्सिनोमा इन सीटू इज मलिग्नेंट टाइप ऑफ कैंसर, मलिग्नेंसी का पोटेंशियल होता है इसमें, लेकिन अभी उसने मलिग्नेंसी अपनी दिखाई नहीं है, अभी वो कहीं भी गया नहीं है। तो कार्सिनोमा इन सीटू को आप कार्बन डाइऑक्साइड लेजर से ट्रीट करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर से ट्रीट करने के बाद आप दोबारा कंफर्म करते हैं कि कार्सिनोमा इन सीटू ही था या नहीं बायोप्सी से। अगर वो सीटू ही था तो फिर ठीक है, पेशेंट को फॉलोअप पे रखेंगे, बात खत्म। लेकिन अगर वो इन्वेसिव कार्सिनोमा था तो फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेजर के बाद उसे रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है पेशेंट को। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर ये मलिग्नेंट या इन्वेसिव होगा भी तो भी अपनी जगह पे ही होगा, इस वजह से इसको हमें ज़्यादा सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता। ठीक है, अगर इन सीटू है तो आपने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेजर देनी है, लेकिन अगर उसका इन्वेसिव टाइप ऑफ पोटेंशियल है, यानी कि वो साथ साथ माइटोसिस भी कर रहा है, फैल भी रहा है, इन सीटू और इन्वेसिव में यही फर्क होता है। इन सीटू अपनी जगह पर होता है, उसमें माइटोसिस नहीं हो रही होती। इन्वेसिव, अगर सपोज मेरे पास जो इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ ग्लॉटिस है और वो T1 स्टेज का है, तो T1 स्टेज का इन्वेसिव कार्सिनोमा में माइटोसिस हो रही होगी मुसलसल, लेकिन वो सिर्फ ग्लॉटिस में ही रहेगा तब भी। ठीक है, वो ग्लॉटिस से बाहर नहीं निकलेगा, जबकि कार्सिनोमा इन सीटू में माइटोसिस होती ही नहीं है, वो रुका हुआ होता है। ठीक है, तो अगर आपका इन सीटू है तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड लेजर देनी है और बाद में रेडियोथेरेपी देकर उसे फाइन फाइन कर देना है। और अगर रेडियोथेरेपी तब देनी है जब आपका वो अगर इन्वेसिव की तरफ जाता वो आपको लग रहा था, अगर सिर्फ इन सीटू था तो जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा की। अब सारी की सारी जो टीएनएम स्टेजिंग होती है वो बेसिकली इन्वेसिव कार्सिनोमा की होती है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि टी स्टैंड्स फॉर जो ट्यूमर का अपना साइज वगैरह है, उस पर एन स्टैंड्स फॉर नोड्स में कितना मेटास्टेसिस हो चुका है, जो आपके रीजनल लिम्फ नोड्स हैं, और लैरिंग्स के केस में आपके जो नेक के लिम्फ नोड्स हैं, जो आप नेक नोड्स जिन्हें कहते हैं, वो आपके होते हैं रीजनल लिम्फ नोड्स। एंड एम स्टैंड्स फॉर कि उसका मेटास्टेसिस बाकी एरियाज में किस कदर है, मतलब दूर मेटास्टेसाइज उसने किसी ऑर्गन में कहीं और तो नहीं किया हुआ, ये एम होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगर हमारे पास जो T1 स्टेज का कैंसर होगा, T1 वाले जो कैंसर्स होते हैं, यानी कि उनका साइज अभी बहुत छोटा है और वो अपनी ही जगह पर हैं, बेशक इन्वेसिव है लेकिन वो बाहर नहीं निकले हुए, तो वो डेफिनेटली एन नॉट और एम नॉट ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम T1 की बात करेंगे। T1 कार्सिनोमा है अगर आपका, और उसने सिर्फ और सिर्फ आपके वोकल कॉर्ड्स को भी इन्वॉल्व किया है, और T1 स्टेज में कभी भी कॉर्ड्स की मोबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ा होता। ठीक है, याद रखने कैंसर ऑफ लैरिंग्स में जो ग्लॉटिस कैंसर है उसमें जो T1 स्टेज का कैंसर है, जिसने अभी आपके वोकल कॉर्ड्स को इन्वॉल्व किया हुआ है, जाहिर वोकल कॉर्ड्स के ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद कॉर्ड्स की मोबिलिटी के फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉर्ड्स की मोबिलिटी जो है, कॉर्ड्स की मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स। ठीक है, डिफरेंट मसल्स हैं पीछे जो उसको मोबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, जिन पे मसल्स पे जाहिर सी बात है उन्हें मैसेज मिलता है तो वो कुछ एक्शन करते हैं। ये वाला जो T1 स्टेज का कैंसर है ये सिर्फ आपके वोकल कॉर्ड्स तक होता है, मसल्स तक नहीं फैला हुआ होता, तो इस वजह से T1 स्टेज में आपके वोकल कॉर्ड्स मोबाइल बिल्कुल ठीक होते हैं। तो अगर T1 स्टेज का कैंसर है जो भी किसी और जगह इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो सिंपली आप रेडियोथेरेपी देते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं होती। अगर T1 स्टेज का कैंसर है और उसने एंटीरियर कमिश्चर को इन्वॉल्व किया, एंटीरियर कमिश्चर से मुराद वो एरिया जहाँ पर आपके दोनों वोकल कॉर्ड्स आपके थायराइड कार्टिलेज के साथ जाके अटैच होते हैं। ठीक है,
अगर साथ एंटीरियर कमीशन इन्वॉल्व है तो फिर आपको थोड़ी सी पार्शियल लेरिंगेक्टमी भी करनी पड़ जाती है, सिर्फ इस वजह से ताकि आपका ऐसा ना हो कि आपका ये जो कैंसर है वो इन्वेड करते करते आपकी थायराइड कार्टिलेज सारी को बर्बाद कर दे और फिर वो आगे फैल जाए, इस वजह से आपको पार्शियल लेरिंगेक्टमी करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर वो भी फेल हो जाए तो टोटल लेरिंगेक्टमी भी करनी पड़ जाती है। अगर T1 कैंसर ही है, यानी कि आपके वोकल कॉर्ड्स का ही कैंसर है और साथ उसने एरिटेनॉइड कार्टिलेज को इन्वॉल्व कर लिया। एरिटेनॉइड कार्टिलेज कौन सी जगह है? वो जगह जहाँ पर आपके वोकल कॉर्ड्स का पोस्टीरियर पोर्शन आके लगता है। आपको पता है ना एरिटेनॉइड कार्टिलेज, मैंने आपको बताया था इस तरह ट्रायंगुलर शेप होता है, उसके दो प्रोसेस होते हैं, एक वोकल प्रोसेस होता है एक मस्कुलर होता है, तो वोकल के साथ वोकल कॉर्ड्स लगते हैं। तो अगर वोकल कॉर्ड्स वाले प्रोसेस भी साथ इन्वॉल्व है एरिटेनॉइड प्रोसेस का, तो भी आपको सर्जरी ही करनी पड़ती है पार्शियल लेरिंगेक्टमी, ठीक हो गया। ये तो हो गया T1 स्टेज। अब अगर आपका कैंसर T2 स्टेज है, T2 स्टेज कैंसर वो होता है जो कि आपका वोकल कॉर्ड्स के डीप अंदर तक फैल चुका हो, मतलब उसकी वॉल को इन्वेड करके आगे चला गया हो और उसने, जाहिर सी बात है जब वो अंदर तक जाएगा तो एपिथीलियम के बाद मसल्स ऑफ द वोकल कॉर्ड तक भी चला जाएगा और उसकी मोबिलिटी को भी इम्पेयर कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है हुई भी हो, ये बात जरूरी है कि T2 कैंसर डीप थोड़ा सा गया हुआ होगा, थोड़ा सा ऊपर सुप्रा ग्लॉटिस में भी गया हुआ होगा, थोड़ा सा नीचे सब ग्लॉटिस में भी गया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वोकल कॉर्ड्स की मोबिलिटी इम्पेयर्ड हो। अब ये बात चेक करने वाली है, ठीक है, और यही बात बताती है कि T2 कैंसर का प्रोग्नोसिस कितना अच्छा होगा। अगर आपके वोकल कॉर्ड्स मोबाइल हैं और आपका एरिटेनॉइड कार्टिलेज इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इतना ख़राब नहीं हुआ अभी सिलसिला कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर चुके, तो फिर आप सिंपली ये करते हैं इस कैंसर में कि आपने रेडियोथेरेपी देनी है। मतलब अगर ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है तो आपने रेडियोथेरेपी देनी है और पेशेंट को फॉलोअप ज़रूर करना है, कहीं भी खराबी आती है तो आपने लेरिंगेक्टमी कर देनी है। लेकिन अगर आपका जो वोकल कॉर्ड है उसकी मोबिलिटी ख़राब हो चुकी है और एरिटेनॉइड कार्टिलेज इन्वॉल्व हो चुका है, तो फिर रेडियोथेरेपी का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपकी वो इतना ज़्यादा वो फैल चुका होता है कि रेडियोथेरेपी की रेडिएशन जो है ना वो उसको अंदर तक डीप इन्वेजन तक ठीक कर ही नहीं सकती, और अगर आप रेडियोथेरेपी देंगे तो आपका कार्टिलेज मजीद डैमेज होगा, बल्कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है, पेरिकोंड्राइटिस वगैरह हो जाता है। इसलिए फिर आप उस स्टेज में अगर ये दोनों चीज़ें ख़राब हो तो रेडियोथेरेपी नहीं देते, फिर आप पार्शियल लेरिंगेक्टमी करना प्रेफर करते हैं, पेशेंट को फॉलोअप पे रखते हैं। अगर वो ठीक है तो चल गया, सही बात है, लेकिन अगर नहीं चलेगा तो टोटल लेरिंगेक्टमी करनी पड़ेगी, टोटली आपको लेरिंग्स रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात जो है वो डिपेंड करती है कि आपका कितना ज़्यादा आगे फैला हुआ है, कि T2 का प्रोग्नोसिस कैसा होगा। एन नॉट से मुराद है कि आपके नेक नोड्स में नहीं गया हुआ कैंसर, ठीक है, नेक नोड्स नेगेटिव है। अगर आपके नेक नोड्स पॉजिटिव होते हैं तो आपको साथ उनको भी रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। N1 स्टेज है, अगर आपके नेक नोड्स में भी फैला हुआ है तो फिर आप उनको भी रिमूव करते हैं। अगर आपका कैंसर कॉर्ड को ख़राब कर चुका है, एरिटेनॉइड को ख़राब कर चुका है, यानी T2 स्टेज पे है और N0 है, अभी तक इधर नहीं गया, तब भी आप लैरिंग्स को तो सर्जिकली रिमूव करेंगे, ठीक है, लैरिंग्स की तो आप सर्जरी करेंगे, लेकिन बेशक N0 है लेकिन N की रेडियोथेरेपी आपने ज़रूर करनी है। नोड्स में आप रेडिएशंस दे के उसको ठीक ज़रूर करते हैं, ठीक है, मतलब आप एहतियातन दे देते हैं कि ऐसा ना हो कि आपके नोड्स में थोड़ा बहुत गया हुआ हो और हमें पता ना चला, इस वजह से आप नोड्स में रेडियोथेरेपी लाजमी देते हैं इस स्टेज पे, ठीक हो गई ये बात यहाँ तक। तो अब आपको अभी तक की बात समझ आ गई कि अगर T1 है सिर्फ वहाँ तक इन्वॉल्व है तो आपने सिंपल रेडियोथेरेपी देनी है, अगर T1 के साथ कोई भी चीज़ इन्वॉल्व है, चाहे कमीशन है चाहे एरिटेनॉइड है, आपने सर्जरी करनी है। फिर T2 है, T2 के साथ अगर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है तो रेडियोथेरेपी देनी है, T2 के साथ कुछ भी इन्वॉल्व है तो आपने सर्जरी करनी है, लेकिन T2 की स्टेज पे आपने हर सूरत नोड्स की रेडियोथेरेपी करनी है, ठीक है, चाहे नोड्स पॉजिटिव हैं या नहीं है। T3 या T4 स्टेज हो तो फिर तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि ये स्टेज में कैंसर काफ़ी ज़्यादा फैल चुका होता है, नोड्स में भी चला गया होता है, तो आपको टोटल लेरिंगेक्टमी करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला कैंसर होता है सबग्लॉटिक कैंसर, मतलब ये वाला जो पोर्शन है लेरिंग्स का, इसका कैंसर। इसमें भी T1 या T2 स्टेज में आप रेडियोथेरेपी देते हैं, T3 या T4 स्टेज में आप लेरिंगेक्टमी करते हैं, बस सिंपल सी बात आप याद रख लें, ठीक हो गया। जो नोड्स हैं उनको T1, T2 में कुछ खास जरूरत नहीं होती, लेकिन T3, T4 में आपको नोड्स को रेडियोथेरेपी लाजमी देनी है, और अगर नोड्स पॉजिटिव हैं तो आपको उनको सर्जिकली रिमूव करना है। सुप्राग्लॉटिक कैंसर्स जो होंगे, यानी कि लैरिंग्स के इस पोर्शन का जो कैंसर है, इसमें फिर आपने देखना है कि अभी ऊपर कितना ज़्यादा फैल चुका है, मतलब अगर T1 स्टेज के तो रेडियोथेरेपी से या कार्बन डाइऑक्साइड लेजर से काम चल जाएगा, T2 स्टेज के तब भी हो सकता है कि आपका रेडियोथेरेपी गुजारा कर जाए, T3, T4 गुजारा नहीं करती, लेकिन T3, T4 में आपने एक्सटेंट लाजमी देखने के ऊपर आपकी टंग तक, ओरल कैविटी तक, आपके सर्वाइकल लिम्फ नोड्स तक, और उसके अलावा आपके ऊपर ओरल कैविटी के किस किस एरिया को इन्वेड कर चुके हैं, क्योंकि जो जो एरिया इन्वेड हुआ होगा उसको पार्शली हमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो MCQ आता होता है ना वो इस एरिया से आता है, ये वाला,
ग्लॉटिक कैंसर में वो आपको कोई एक सिनेरियो बना के देते हैं और आपको ये बताते हैं कि भाई टी टू कैंसर था उस बंदे को जो कि इन्वेसिव नेचर का था, उसके एंटीरियर कमीशन इन्वॉल्व किया हुआ है, नोड्स नेगेटिव है, तो आप बताएं उसकी स्टेज क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, इस किस्म का कुछ बता देते हैं तो आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा कि T1 है और ट्रीटमेंट में हमने सर्जरी करनी है। तो ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि MCQs में बात आती है यार। इसको एक दफ़ा फिर से बेशक देख लेना वीडियो, अगर नहीं समझ आई किसी को, अगर फिर भी नहीं समझ आती यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स या फिर आप मुझसे जीमेल पर पूछ लें मेरी आईडी पे, मैं लाजमी रिस्पॉन्स करूँगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ आ जाएगा तो अच्छा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।